तो स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस क्लास में देख लिया कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके बफर एक्शन क्या होते हैं, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, और आई होप कि आप सबके क्लियर है, कोई डाउट है नहीं किसी का। अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अगर आपको बफर सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी हो, कि एसिडिक बफर कोई गिवन है, आपको कह दिया कि भैया इसकी पीएच बताओ, बेसिक बफर गिवन है, कह दिया इसकी पीएच बताओ, तो वो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस पीएच का फॉर्मूला देखेंगे। pH of acidic buffer pH कैसे कैलकुलेट करते हैं? बफर के बाद ज्यादा टॉपिक है नहीं अपने पास, है ना? तो pH का फॉर्मूला तो अपने को पता ही एक ही होता है, दैट pH equals to minus log base 10 concentration of H plus ion। ये pH का फॉर्मूला होता है, सब कोई बताइए, तो आपको याद होगा कि देखिए पीएच का फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं कि इसमें कैसे देखते हैं, जैसे एसिडिक बफर की अपन ने बात करी थी, आपको पता है एसिडिक बफर होता क्या है। एसिडिक बफर इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका आपके पास ये सॉल्यूशन होता है। तो वीक एसिड की बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक तो क्या होगा, दैट CH3COOH CH3COO- प्लस अपने पास क्या आएगा H प्लस, साथ में क्या आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा किसका, CH3COONa का। तो क्या आएगा अपने पास CH3COO- और प्लस अपने पास क्या आएगा Na प्लस। अब अपने को क्या चाहिए कि सर अपने को तो H प्लस आयन चाहिए, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन होगी तो अपन pH इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन देखें, तो उसके लिए देखें इसका अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट देखते हैं Ka। Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो सर ये क्यों लिया, नीचे वाला क्यों नहीं लिया, बिकॉज नीचे वाले में तो H प्लस कहीं आ ही नहीं रहा है, अपने को तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन चाहिए जिससे आप क्या कर सको, pH कैलकुलेट कर सको। तो Ka क्या आएगा आपके पास, के अपने को पता है क्या होता है, दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप क्या लिखोगे, के इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन CH3COO- concentration of H plus ion upon में अपने पास क्या आ जाएगा, that concentration of CH3COOH। ये अपने पास Ka का फॉर्मूला आ गया dissociation constant का, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, अपने को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अपने को रिक्वायरमेंट है H plus ion के concentration की। तो H plus ion की concentration क्या होगी आपके पास, कि that H plus ion की concentration equals to Ka concentration of CH3COOH upon concentration of acetate ion। Ka concentration of CH3COOH upon concentration of CH3COO minus, ये अपने पास क्या आ गया, H plus ion की concentration आ गई। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है पीएच। तो पीएच एच प्लस की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी पीएच आ जाएगी। पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 के ए concentration of CH3COOH upon concentration of CH3COO minus, यानी कि acetic ion, है ना? अब मैं बात करूंगा, देख minus log base 10 है मेरे पास और अंदर क्या है K, तो minus log base 10 K की अगर अपन बात करें तो वो क्या हो जाता है आपके पास,
पीके, आपको पता है अपन ने देखा है कि पीके क्या होता है, दैट पीके इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ, आपके पास क्या होगा, सॉरी माइनस लॉग बेस 10 के ए जो है उसको अपन क्या कहेंगे, पीके। तो पीएच इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, पीके ए माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एच अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस, यानी कि ये आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन हो गई, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो गई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एच। ये किसकी पीएच आ गई आपके पास, एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला आ गया, है ना। कि सर यही थोड़ी होगा, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, हो सकता है एसिटिक एसिड नहीं हो, कुछ और हो जाए आपके पास। तो पी के ए प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, इससे आप पीएच कैलकुलेट कर लोगे, किसकी, एसिडिक बफर। तो अपने को तो देखो पीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पीएच का फॉर्मूला पता है, कोई टेंशन नहीं किसी बात की, कि पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन। अब एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन को कहीं से उठा के लाना है, अपन उठा के यहाँ रख देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगी किसकी, एसिडिक बफर। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, एसिडिक बफर की पीएच देख ली अपन ने, अपन अब बेसिक बफर की पीएच देखेंगे। पीएच ऑफ बेसिक बफर, बेसिक बफर की बात करें तो होता क्या, ये अपने पास सॉल्ट ऑफ, सॉरी एक तो वीक बेस होगा प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा। तो यहां पे वीक बेस आ रहा है, NH4OH ले लेते अपन इसको, NH4OH से किसका फॉर्मेशन होगा, NH4 प्लस और OH माइनस का। सॉल्ट ले रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, NH4Cl NH4 प्लस, आपके पास क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाए ना, तो NH4 प्लस और OH माइनस, POH pH तो आएगी नहीं। pH के लिए क्या चाहिए अपने को, देखो कि pH इक्वल्स टू क्या होता है, वो अपने पास हो जाएगा माइनस का लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये पीएच हो गया। अब H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन तो यहाँ नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे अपन, अपन पहले पीओएच कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि पीओएच कैलकुलेट कर लेंगे माइनस लॉग बेस 10, ओएच माइनस आयन की कंसेंट्रेशन तो है ही, तो उससे अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, पीओएच, और फिर पीएच कैलकुलेट करने के लिए तो अपने को पता है पीएच प्लस पीओएच जो है वो कितना होता है, 14 होता है। तो आपको पीएच कैलकुलेट करनी है तो वो क्या हो जाएगा, 14 माइनस आपके पास पीओएच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि ओएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन कैसे होगी, तो ये अपने पास बेस है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें तो वो अपने पास क्या होगा, केबी। केबी क्या आएगा, दैट कंसंट्रेशन ऑफ एनएच फोर प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, अपॉन क्या आ गया आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। आपको OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो अपने पास क्या आ जाएगा, दैट KB मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो ब्रैकेट लिख लीजिए, NH4OH अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, अमोनियम आयन।
ये आपके पास OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई। और अपन क्या करेंगे, POH कैलकुलेट करेंगे, तो POH क्या आएगी अपने पास, देख POH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है, यानी कि एक तो आपके पास क्या आ गया, KB आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी आ गई, NH4OH की, अपॉन क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, ये आपके पास आ गया POH। अब माइनस लॉग बेस 10 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे सब में, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा अपने पास, दैट माइनस लॉग बेस 10 KB है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके PKB के, तो POH इक्वल्स टू क्या होगा, दैट POH इक्वल्स टू माइनस का P, सॉरी प्लस का PKB माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, है ना। इसको अगर अपन रिवर्स करते हैं तो यहां देख लीजिए क्या आएगा आपके पास, ऊपर ही लिख देते हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है इसमें, तो POH ये आ गया, या इसको यूं लिख सकते हैं दैट POH इक्वल्स टू PKB प्लस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले अपने पास माइनस था, अपन NH4 प्लस को ऊपर लेके जा रहे हैं, NH4OH को नीचे लेके आ रहे हैं, तो इसके आगे फिर माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है अपने पास, प्लस हो जाता है, और ये PKB आ गया अपने पास, है ना, POH आ गया, POH equals to PKB plus log base 10 concentration of ammonium ion and concentration of ammonium hydroxide, POH equals to आपके पास क्या होगा PKB plus log base 10, अपन कैसे लिखेंगे इसको, salt concentration of salt upon concentration of base, ये आपके पास क्या हो गया POH। सर हमें pH calculate करनी है, बेटा जी pH calculate करना कोई बड़ा काम तो है नहीं, तो pH equals to क्या आ जाएगा आपके पास, pH equals to 14 minus PKB plus log base 10 concentration of salt upon concentration of base, ये आपके पास pH का फॉर्मूला है। ये POH होगा, POH की जो भी वैल्यू आए वो कैलकुलेट कर लीजिए, उसको 14 में से माइनस कर दीजिए, है ना, POH की वैल्यू क्या थी, PKB plus log base 10 concentration of salt upon concentration of base, pH क्या हो जाएगा 14 minus ये सारी वैल्यू आ जाएगी, इससे आप क्या कर सकते हो, बेसिक बफर की pH कैलकुलेट कर सकते हो, या बेसिक बफर का अगर POH कैलकुलेट करना हो तो भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा ही एसिडिक बफर की pH अपने कैलकुलेट करी थी, POH पूछ ले तो उसको क्या करो 14 में से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों में रिलेशन होता है, pH plus POH equals to अपने पास क्या आ जाता है 14 आ जाता है। ओके तो स्टूडेंट्स अपना जो बफर सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ, कि बफर जो है वो कितने टाइप के होते हैं और बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, बफर पीएच में चेंज को अपोज करते हैं ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता है पीएच में, बट उनकी खुद की पीएच होती है, चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो, तो उसके फॉर्मूले अपने को लर्न रखने के, क्या फॉर्मूले आएंगे, कैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं एसिडिक बफर की, कैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं बेसिक बफर की। अब इस चैप्टर में यानी कि जो इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है उसमें कुछ ज्यादा नहीं रहता है, दो तीन टॉपिक हैं छोटे छोटे, वो अपने को कंप्लीट करने होते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक और टॉपिक आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, आपको आपकी एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कॉम्पिटिशन में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसके बेसिस पे ट्वेल्थ में भी कोई टॉपिक है उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, टॉपिक बहुत छोटा है, टॉपिक में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट वो समझने वाला टॉपिक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना। सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को, मोल ऑफ एनी सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन नॉन एज सॉल्युबिलिटी है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। अगर इस सॉल्युबिलिटी की अगर अपन यूनिट देखें तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट अपने पास हो जाएगी मोल पर लीटर। अगर आपके पास सॉल्यूट मोल में प्रेजेंट है, अगर आपके पास जो सॉल्यूट है वो अगर ग्राम में प्रेजेंट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी की यूनिट अपने पास क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। सॉल्युबिलिटी की पूरी डेफिनेशन बोले, मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट यूनिट लीटर या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर मेकिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसको अपन क्या कह देते हैं, सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। कि सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जनरली देखें तो अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और एक आपके पास अनसैचुरेटेड। सर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में भी दो टाइप आते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो गया कि आपको मोर अमाउंट हो यानी कि और ज्यादा सॉल्यूट मिक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाएंगे नहीं, जितना आपने मिलाया वो प्रॉपर है, यानी कि उसमें और ज्यादा अगर आप मिलाओगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। उस टाइप के सॉल्यूशन को अपन कौन से सॉल्यूशन कह देते हैं, सैचुरेटेड। एक आपके पास आता है हाइपोसैचुरेटेड। हाइपोसैचुरेटेड का मीनिंग क्या होगा कि आपको मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करने की रिक्वायरमेंट है सॉल्यूशन में अभी तक, उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होगा कि आपको और ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट की मिलाने की, मिक्स करने की, ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको अपन कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड आता है हाइपोसैचुरेटेड, मीन्स सॉल्यूशन में आपको और ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट मिक्स करने की रिक्वायरमेंट है, इसको अपन कहते हैं हाइपोसैचुरेटेड। और एक आपके पास आता है हाइपर सैचुरेटेड। हाइपर सैचुरेटेड का मीनिंग क्या हो गया कि जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, उसको अपन क्या कह देते हैं, हाइपर सैचुरेटेड कह देते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, हाइपो सैचुरेटेड एंड हाइपर सैचुरेटेड। तो ये तो अपने पास हो गई सॉल्युबिलिटी, के सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट अपने यहाँ पे टॉपिक आ रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको अपन KSP से डिनोट करते हैं। क्या होता है देखिएगा, कि जितने भी स्ट्रेंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं उसके लिए KSP देखते हैं। स्ट्रेंगली सोल्यूबल का मीनिंग ये होता है अपने पास पार्शियली सोल्यूबल, यानी कि कंप्लीटली जो सोल्यूबल सोल्यूट सोल्यूबल नहीं होते उनको अपन क्या कहते हैं, पार्शियली सोल्यूबल कंपाउंड कहते हैं। तो जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है ए बी, ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट। उसका कुछ पोर्शन वाटर में डिजोल्व होता है, यानी अब उसको अपन क्या कह देंगे, ए बी एक्वस। जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो इसके और इसके आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, मींस ए प्लस और बी माइनस के बीच। आपके पास कोई स्प्रेंगली सोल्यूबल यानी कि पार्शली सोल्यूबल कंपाउंड था सॉलिड, इसका कुछ पार्ट वाटर में ही डिजोल्व होता है, वही कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, लाइक BSO4 बेरियम सल्फेट और कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका एक्वस पार्ट, ठीक है ना, जो अनआयोनाइज्ड है। अब ये क्या होगा, आयंस में डिसोशिएट होगा, यानी कि ए प्लस और बी माइनस का फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद इसके जो पार्ट सॉल्यूबल है वो और आयंस के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो अगर उसके लिए अगर आप के लिखोगे तो के इक्वल्स टू क्या होगा, के इक्वल्स टू होगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्लस, कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी। ये इसके लिए क्या होगा, के, जिसको अपन कॉन्स्टेंट कहते हैं। अब इसको अपन देखेगा, इसको मैं अगर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे लिखूंगा के ए बी इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्लस और कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस। जो ये के ए बी है, के
ए बी ये इक्वल्स टू होता है किसके, के एस पी के, जिसको अपन क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो के एस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एस पी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्लस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस। जब के एस पी की वैल्यू इन आयंस के कंसेंट्रेशन के इक्वल हो तो सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा। तो सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा। के एस पी इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्लस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस। और के एस पी को अपन क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द मेकिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो मोल में ले रहे हो तो आपके पास सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। अगर आप ग्राम में ले कंसिडर कर रहे हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया आपके पास, कि जो कॉन्स्टेंट है और जो आपके पास ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आयंस की कंसेंट्रेशन के इक्वल हो तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। अब कल की क्लास में अपन देखेंगे कि अलग अलग टाइप के आयंस आ गए, मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट, यानी कि कैटायन की भी वैलेंसी 1 और एनायन की भी वैलेंसी 1, तो उसके लिए KSP और सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होगी। मोनोवेलेंट बाईवेलेंट आ गए तो क्या होगी, मोनोवेलेंट ट्राईवेलेंट आ गए तो क्या होगी, बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट आ गए तो आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में अपन कल की क्लास में देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है और अपोजिट आयन इफेक्ट क्या होता है। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।